पीएफएससी 2024 के जो भी कैंडिडेट्स अपियर हो रहे हैं, तो हिंदी माध्यम में जो भी कैंडिडेट हिंदी माध्यम के हैं, तो उनके लिए एक जो एसे क्या है, जो असिस्टेंट कमांडेंट का एसे किस ढंग का होना चाहिए, तो एक सैंपल के माध्यम से मैं सॉरी चीजों को डिस्कस करूंगा कि जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको आधार पे उसको देखते हुए एक चीज ध्यान रखना कि जो आपके एसे हैं वो अभी छोटे छोटे एसे आ रहे हैं, 300 वर्ड्स के ईच आते हैं। जो सिविल सर्विसेज के एसे होते हैं वो बड़े एसे होते हैं। अब सिविल सर्विसेज में देखो जस्ट 2 एसे 3 आर्स में लिखना होता है, और आपके 4 एसे भी लिखना है, 2 आर्गुमेंट्स भी लिखना है, 2 रिपोर्ट्स भी लिखना है, प्रेसी भी लिखना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बहुत सारी चीजें लिखना है। तो स्मॉल छोटे आपके ये आ रहे हैं। 2012 में देखो, 2012 में 800 वर्ड्स का एसे आता था, तो एक ही एसे। तो यदि 800 वर्ड्स है तो उसमें आपके पास स्कोप ज्यादा है। 1000 वर्ड्स का होगा उसमें स्कोप ज्यादा होगा कंटेंट को करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या है, आपका टाइम भी मायने रखता है और आपका जो है वो जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, कंटेंट है, वो भी आपको डालना है। तो इसमें हम डिटेल अबाउट हिंदी ऐसे देखेंगे, इंग्लिश वाले के लिए वो सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें से जो अभी वर्तमान का पैटर्न है, तो वर्तमान में जो प्रेजेंट में आपके क्या है, 6 टॉपिक्स दिए जाते हैं, 6 टॉपिक्स होते हैं, और उसमें से 4 पर आपको निबंध लिखना होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इस बात का कि कौन सा टॉपिक जो चुनने हैं उससे ज्यादा ये ध्यान देना है कि कौन सा टॉपिक हमें छोड़ने हैं। पहले जैसे 2012 तक जो है 4 टॉपिक्स दिया हुआ है और एक चूज करना है, तो आपके लिए वो चूज करना जो बेस्ट पॉसिबल है वो करो। या अभी भी जैसे सिविल सर्विसेज में देखो 2 सेक्शंस हैं फिलहाल के लिए, 2 सेक्शंस 4 ईच होते हैं, 4 4 आपके दोनों सेक्शंस में है, और इस 4 में से 1 सेलेक्ट करना है और इस 4 में से 1 सेलेक्ट करना, लेकिन आपको 6 में से 4 सेलेक्ट करना है। तो समटाइम सेलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, तो आपको जो टफेस्ट में से लग रहा है, टफर में साइड में लग रहा है, उसको एलिमिनेट कर दो, और बाकी तो डिपेंड नहीं हो इधर आपको सेलेक्ट करना है या एलिमिनेट करना है। तो कहीं ना कहीं 4 लिखना है तो बहुत ज्यादा आप टाइम भी नहीं लगा सकते हो इसमें सोचने थॉट देने में, मतलब तो 4 में से 1 रहता है, और एक तरह से जब 1 आवर 30 मिनट एक ऐसे में आपको सीएससी वाले में मिलता है, तो उसमें आप है 5 मिनट्स आराम से ले सकते हो, फिर 5 10 मिनट उसको प्रॉपर टॉपिक को सर्च कर ली, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर बनाने में। लेकिन यहाँ हर चीज में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे क्योंकि आपको और बहुत सारे टास्क करने हैं। तो निबंध क्या है, तो निबंध एक ऐसी गद्य रूप में लिखी रचना है जो किसी दिए हुए विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई है। तो ये आपका जो है जो प्रोज के फॉर्म में है, ठीक है, प्रोज के मीन्स कह सकते हो कि स्टोरी के फॉर्म में, ये पोएम के फॉर्म में नहीं है, आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। एक अच्छे निबंध में जो है आपका शीर्षक होता है, तो शीर्षक आपको दिया हुआ है यानी हेडिंग्स, हेडिंग्स आपका दिया हुआ है तो हेडिंग्स में कुछ करना नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी तो आप आरंभ, तो इंट्रो इसमें मेन पार्ट मुख्य भाग जो है, और उपसंहार कंक्लूजन होना चाहिए यानी समरी। तो जो आपका इंट्रोडक्शन है उसमें आप इंट्रोड्यूस करते हो, परिचय आप देते हो, तो जो ये इसमें हम एक जो एक सैंपल लिए हैं ऐसे, उसमें से जो 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें से हमने एक लिया है, और उसका एक तरह से 2 टाइप से हमने प्रेजेंट किया है। तो आप उसको देखोगे, मेन जो बॉडी है उसमें आप 3 to 4 पैराग्राफ लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन, आप 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। तो एक तो इंट्रो में स्मॉल सा हो गया, एक आपका कंक्लूजन में यानी कि जो समरी है, अब फाइनली वो कंक्लूड कर सकते हो। समरी और कंक्लूजन में डिफरेंस है ये ध्यान रखना, ठीक है। तो समरी का मतलब होता है कि एक तरह से पूरे को समराइज कर देना, लेकिन जो एक तरह से हम कंक्लूजन देते हैं तो बे फॉरवर्ड टाइप का ये होता है, आइदर बे फॉरवर्ड या कुछ सजेशन देना है वो उस फॉर्म में होता है। तो मिनिमम आपको 5 पैराग्राफ और वैसे मैक्सिमम 7 पैराग्राफ लिख सकते हो, लेकिन ये कोशिश करो 5 या 6, ये या तो 5 पैराग्राफ या 6 पैराग्राफ, ठीक है। तो यूपीएससी क्या चाहती है आपसे, तो
ये इसमें से आपको जो यूपीएससी लिखे हुए हैं इसमें कि परीक्षार्थियों को कई विषयों पर निबंध लिखने को कहा जा सकता है। उन्हें निबंध लिखते समय दिए हुए टॉपिक के जितना संभव हो उससे जुड़े हुए बातों को ही लिखना चाहिए। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आइडिया सही तरीके से व्यवस्थित होने चाहिए। अंक उनके सही और उचित तरीके से लिखे गए विषय वस्तु पर प्रदान किए जाएंगे। ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे, 300 वर्ड्स लिखोगे और कुछ भी तो मिल जाएगा मार्क्स। नहीं, जो टॉपिक है उसके क्लोज में रहना। हाँ, क्योंकि आपका ये ओपन इंडेड है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके पास ये चॉइस है कि आप थोड़े जो है अपने इंड से एक्स्ट्रा कर सकते हो, बियॉन्ड आप सोच सकते हो, लेकिन फिर भी हमें एज क्लोज एज पॉसिबल। अब ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है कि जैसे आप जब इंट्रो देते हो, यानी स्टार्ट जब करते हो, प्रारंभ करते हो, परिचय करते हो उसको, तो टॉपिक को ओपन करना है, फिर मेन बॉडी में उसको एक्सप्लेन करना है कि किस ढंग से ये चीजें हो रही है, और सो आपका कंक्लूजन होता है उसको आप जो है एक तरह से वे फॉरवर्ड वगैरह उसको क्लोज करोगे या आगे की इस ढंग से और किया जाना चाहिए। ठीक है, जो असिस्टेंट कमांडेंट का निबंध है ऐसे है, तो यूपीएससी के अनुसार जो है यूपीएससी कहती है कि हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में, ठीक है, भाषा में कुल 80 अंक के निबंध लिखने होंगे। संभावित टॉपिक आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है, विशेषकर स्वतंत्रता आंदोलन, भूगोल, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था तथा सुरक्षा और मानवाधिकार से जुड़े विषय और विश्लेषणात्मक क्षमता से संबंधित। यानी कि एक तरह से जो कर सकते हो कि इसमें फिलोसफिकल टाइप के जो एक टॉपिक्स हैं उसको करना है। तो ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं तो एशिया में आपके पास विकल्प है हिंदी या इंग्लिश, इस वजह से इसको हम हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए इंग्लिश में। आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले दिए हुए शीर्षक को भली प्रकार से समझना चाहिए, सही तरीके से उसको समझना है, सही तरीके से एक तरह से कह सकते हो डिकोड करना है, डिकोड इसको करना है, और विचारों को रफ में सूचीबद्ध करें। सो आपके आखिरी के कुछ पेज दिए हुए रहते हैं रफ वर्क में, तो उसमें रफ कर लो। रफ करने से फायदा क्या होता है ना कि रफ में हमको सपोज करो कि मेन बॉडी में या इंट्रो में हमको ये कुछ लिखना है, मेन बॉडी में, रफ का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पहले एक बार रफ में लिख लोगे उसके बाद आप फाइनल, नहीं, रफ का मतलब होता है कि स्मॉल ड्राफ्ट। 300 वर्ड्स के हैं तो हम 30 वर्ड्स के आसपास में ड्राफ्ट, कीवर्ड्स, एक तरह से कीवर्ड्स हमको लिखना है, मेन कीवर्ड्स जो हैं वो नहीं छूटने चाहिए, ये हमारा होना चाहिए कि सो रफ में हम ये बना ले कि ये कीवर्ड्स, इंट्रो में हम ये कीवर्ड्स लिखने वाले, या कोई हम कोटेशन, तो कोटेशन का जो फर्स्ट लाइन फर्स्ट पार्ट है उसको कि हाँ हम ये कोटेशन यहाँ लिखने वाले हैं, कोई स्टेटमेंट किसी बंदे का है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, किसी महान पर्सनालिटी का है तो उसका लिखना है, और कंक्लूजन में कुछ वो लिखना है, तो ठीक है। तो जो विचार जो भी आपके हैं रफ में सूचीबद्ध करें, और भाषा को सरल और स्पष्ट रखें, जो भी लैंग्वेज है उसको आप सिंपल वे में रखें, विचार क्रमबद्ध होना चाहिए और पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन आपके नहीं होना चाहिए। जहां संभव हो किसी भी फेमस पर्सन के या संस्था का जो स्टेटमेंट है, कथन है, या डेटा या उस टाइप के, उसको शामिल करना है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी किसी भी एसे को लिखते हो तो अभी क्या हो रहा है, जब इनिशियल टाइम में आप, अब ये हर एग्जाम में हो रहा है, क्यूसीए उसको बोलते हैं, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, तो क्यूसीए में क्वेश्चंस भी उसी में है और आपका आंसर भी उसी में डालना है, तो एक क्वेश्चन आपका सेपरेट होता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका सेपरेट में भी है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, तो उसी में पहले क्वेश्चन दे दिया और एक ऐसे में 3 पेजेज आपको दिए हुए हैं, तो कोई एक ऐसे लिखोगे तो 3 पेजेज ही तो आपको दिए हुए हैं, कोई आर्गुमेंट लिखोगे तो 3 पेजेज, एक ऐसे में 3 पेजेज, दूसरा ऐसे में 3 पेजेज। अब मान के चलो कि आपने 1.5 पेज लिख दिया या 2 पेज लिख दिया, अब आपको ये पता चला कि एक्चुअल में हमें लिखना ये नहीं था। देखो हमेशा यही होता है, बहुत बार होता है कि हम जो लिखना चाहते हैं एग्जैक्ट नहीं लिख पाते हैं, ये बहुत लोगों के साथ होता है। आप तो ये नहीं सोचो कि सिर्फ जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, बहुत बार जो फिफ्थ टाइम लिख रहे हैं ना उनके साथ भी ऐसा सिचुएशंस बहुत बार होता है। तो 130% आप लिख लिए हो तो
तो एक बार जरूर देखो कि क्या हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। यदि कुछ ऐसा सिचुएशंस लगता है तो उसको उसी समय सुधार करें, क्योंकि आपको सिर्फ 3 पेज दिया हुआ है और जो जहां पेज दिया हुआ है वही लिखना है, दूसरे जगह नहीं। एक बार आपने पूरा लिख लिया, अब लगा कि हमको गलत है तो या तो उसको काट करके और दूसरा कोई ऐसे लिखो, और वो ऐसे जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, तो एक तो आपको टाइमिंग का नुकसान हो गया, 18-20 मिनट का नुकसान हो गया, फिर वो मुश्किल होता है। तो इस वजह से ध्यान रखें, भाषा संबंधित त्रुटियां न्यूनतम रखो। बहुत बार आप लोग में से बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि जो हिंदी माध्यम है उनको कम मार्क्स दिया जा रहा है। अब आप हिंदी में लिख रहे हो तो सो लैंग्वेज की त्रुटि है, भाषा की त्रुटि है, हिंदी जो लिखे है वो सही होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल। अभी एक लाइन लिखा उसमें 3 मिस्टेक, आप 300 वर्ड्स का लिख रहे हो और उसमें 30 मिस्टेक्स हैं, ये दिक्कत है ना। एक बार पूरा लिखने के बाद अवश्य पढ़ें, जहां सुधार के गुंजाइश हो वहां अवश्य करें। अब जब एक बार पूरा लिख लिए तो सुधार का गुंजाइश का मतलब वहां क्या होता है, कहीं आपने कोई डेटा है कुछ उस टाइप का हो गया, या कहीं कॉमा लगाना था कहीं उस टाइप का, या एक आध स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत एक दो शब्द के कारण वो स्टेटमेंट अधूरा लग रहा है, तो वैसे को उसको सुधार कर सकते हैं, पूरे को तो आप कर नहीं सकते हो। कुछ जो विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले सभी टॉपिक को देखें और समझें। कुछ टॉपिक आपको आसान लग सकते हैं और कुछ कठिन, तो आपको जो आसान लगे उसे चुन लें। मैंने ऑलरेडी बताया ना कि जब 6 में से 4 आपको सेलेक्ट करना, तो समटाइम सिलेक्शन कम और रिजेक्शन ज्यादा होता है, कि जो हमको 2 एलिमिनेट करना है वो आपको जो नहीं लिखना है उसको, तो कुछ जो आपको आसान लगता है पहले उसको चुन लें, फिर बाकी बचे टॉपिक्स में जो आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। लेकिन किसी तरीके से या तो सिलेक्शन करें या रिजेक्शन विधि से 4 जो टॉपिक पर आपको लिखना है उसको चुने। इस काम में 10 से 15 मिनट लगा सकते हैं, 15 मिनट से ज्यादा किसी हाल में भी नहीं। अब 15 मिनट ये बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ, मीन्स वो मैं ये कर सकते हो। अब वो 15 मिनट का मतलब है कि उसमें से कुछ चीजें भी आपको उस पर वर्क करना है। सिर्फ 15 मिनट आप टॉपिक सर्च करने में नहीं लगाओगे, उसमें से कुछ जो चीजें लिखना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये करो। इस 10-15 मिनट में देखो है कि रफ में चुने हुए टॉपिक के विषय वस्तु पर भी विचार करना, ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट जो है सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को सेलेक्ट करने में, इसमें ये भी काम था। टॉपिक चुनते समय आपको अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए, जैसे कि क्या आप दिए हुए प्रश्न को भली भांति समझ रहे हैं। तो ये ध्यान रखो कि जब आप कुछ भी लिखते हो यूपीएससी वाले में, तो जो आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है ना, बहुत बार आपने गार्बेज भी लिखा ना तब भी आपको नंबर दे देते हैं, क्योंकि वहां किसी से कोई नुकसान नहीं होता। आप फर्स्ट डिवीजन आ गए, कोई और फर्स्ट डिवीजन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसमें से जो गोल्ड मेडलिस्ट होना होंगे, जो फर्स्ट रैंक का सेकेंड रैंक का, तो उनकी कॉपी और जाते वो बहुत अच्छा में थे। अब लेकिन जिनको 50% आ रहा, 60% आ रहा है ग्रेजुएशन में, तो क्या दिक्कत है उसमें 2-4 नंबर, लेकिन यहाँ एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। और यूपीएससी में आपकी कॉपी और सबकी कॉपी तो चेक नहीं पेपर फूके होंगे ना, जितने जैसे देखो पहले आपका पेपर 1 चेक होता है, पेपर 1 में कोई एमआरपी तो है तो वो सबका चेक होता है। उसमें से देखा गया कि सपोज कुछ सीट्स हैं, मान के चलो कि 300 सीट्स आए, तो 300 सीट्स यदि आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, अप्रोक्स आपके 2000 लोगों के रिजल्ट दिए जाने हैं। तो 2000 के दिए जाने हैं तो सपोज 3000 लोगों के कॉपी चेक होंगे पेपर 2 के, क्योंकि कुछ ऐसे होंगे कि जो पेपर 1 का वो कट ऑफ क्लियर कर गए लेकिन पेपर 2 का फिर कट ऑफ क्लियर नहीं, 50 नंबर भी नहीं ला पाएंगे, या कुछ ऐसे हैं कि पेपर 1 पेपर 2 मिला करके उनका कट ऑफ कम हो जाएगा बहुत। तो जनरली 2000 है तो 3000 होना, ये तो यूपीएससी नहीं बताती है, लेकिन कुछ ज्यादा का ये किया जाता है। तो सबका तो किया नहीं जाना है, लेकिन जब ग्रेजुएशन 10th 12th में सबका कॉपी चेक किया जाना है, जो फेल हो पास हो उससे, लेकिन यहाँ लिमिटेड लोगों का किया जाता है। तो क्या आपको यह पता है कि आपको कौन से आयामों को इसमें शामिल करना है? तो देखो कहीं भी नहीं यदि आता है तो एक बोलते हैं ना पेस्टल पेस्टल एनालिसिस, तो पोलिटिकल, यहाँ इकोनॉमिक, ठीक है ना, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल, यहाँ सोशल, यहाँ टेक्निकल, यहाँ लीगल, ये सब जो है मिनिमम नहीं कुछ आ रहा तो इसको हम कर सकते हैं। क्या आपके द्वारा चुने गए टॉपिक पर रफ स्केच तैयार कर सकते हैं? ये ध्यान रखो कि थोड़ा रफ स्केच भी कर सकते हो। क्या आपके द्वारा तैयार किए गए रफ स्केच में आप उन सभी पहलुओं को शामिल कर पा रहे हैं जिसे एक अच्छे निबंध में शामिल किया जाना चाहिए? तो वो भी आपको ये करना है। क्या आप इसमें कम से कम 3 आइडिया को शामिल करने में सक्षम है? देखो हमने शुरू में आपको बताया कि जो टोटल 5 या 6 पैराग्राफ ठीक हो गए, तो 2 तो आपका फिक्स है, एक इंट्रो और एक कंक्लूजन,
ये तो आपका फिक्स है। बाकी जो बचा तो 3 या 4 लिखो, तो मिनिमम आपके पास 3 आइडियाज होने चाहिए, और या तो 3 आइडियाज या आइडिया नहीं है तो डायमेंशन। आइडिया को एकदम ऐसा नहीं है कि आप एकदम न्यू तरीके के आइडिया ये कर रहे हो, तो डायमेंशंस कर सकते हो। क्या आप सही सुदृढ़ शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं? ठीक है, यदि पिछले स्लाइड में जो पूछे गए प्रश्न का जवाब हाँ में है तो आप अच्छे अंक जरूर प्राप्त करेंगे, यदि नहीं है तो आप उस पर मेहनत करते रहिए। एक क्रमिक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में, ये एक क्रमिक आपको सुधार करना है, क्रमिक रूप से सुधार करते रहना है। ठीक है, तो ये आपको सुधार करते रहना है। अब कुछ और चीजें हैं कि जब एक बार आपने अंतिम रूप से टॉपिक को चुन लिया है तो फिर से एक बार टॉपिक को पढ़ें और साथ में कुछ बिंदुओं को रफ में लिखते जाएं कि आपको कौन से आयामों में इन पर लिखना है। जो हमने 10 to 15 मिनट्स बोला है तो उसमें रफ में इसको भी ये करोगे क्या? ये जो आप है एक रफ ड्राफ्ट बना ले और इनमें सही भी आयामों को, तो स्मॉल में जैसे मान के चलो ये है कोई टॉपिक, जैसे आगे चलो हम जब एग्जाम्पल आएंगे तो उससे बताते हैं आपको। क्या आपने जो ये है निबंध, तो उसको उसके ऊपर परिचय पर ध्यान देना है कि आप जो कुछ लिख रहे हो उसके इंट्रोडक्शन में तो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो तो ज्यादा बेटर है। तो अपने निबंध के परिचय पर ध्यान दीजिए और जो कुछ सहयोगी तथ्य, जो सपोर्टिंग फैक्ट्स है, ठीक है, सहयोगी का मतलब ये सपोर्टिंग जो फैक्ट्स है, स्टेटमेंट है, डेटा है, उसको शामिल करें और अच्छा सा कंक्लूजन लिखिए। अब ये देखो 23 में जो टॉपिक्स पूछा गया है तो ये इसमें से क्या है कि साइबर अटैक अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। तो देखो इनिशियल में क्या है, अ वॉरफेयर। अब ये जैसे इसको इंट्रोडक्शन दे लिखोगे तो ये है कि गोन आर द डेज वेन बैटल्स वेयर फॉट जस्ट और वॉर वेयर जस्ट फॉट, इवन टू आर्मीज वेयर इन फ्रंट ऑफ इच अदर। आज जो है न्यू डायमेंशंस आपके एयर वाटर फिर स्पेस और न्यू एक तरह से साइबर, तो इस ढंग से आप कर सकते हो। या कर सकते हो कि इन द टाइम इट इज नॉट द टाइम ऑफ द इरा वेन टू आर्मीज वेयर आर देयर वन साइड नीड नॉट गो टू अदर साइड फिजिकली। या फिर कर सकते हैं कि एट दिस टाइम वॉर इज नॉट फॉट ऑन जस्ट ग्राउंड, इट इज इन स्पेस एंड बाई जस्ट सिटिंग इन ए रूम ऑफ सिंगल पर्सन कैन डिफीट द इंटायर कंट्री। तो कुछ उस ढंग से भी कर सकते हो। ठीक है, इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो है नई यानी कि नई विश्व व्यवस्था में भारत का उभरता नेतृत्व, ये इस पर ही हमने आपको एक सैंपल ये आगे स्लाइड में आप देखोगे इसमें हमने ये प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट आपका जैसे है इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, तो ये देखो जो भी टॉपिक्स हैं रेगुलर न्यूज में रहते हैं। अब ये देखो साइबर अटैक है तो इस पर आप एवरी वीक देखोगे या एवरी वीक छोड़ दो तो एवरी मंथ कोई ना कोई तो टॉपिक जरूर रहता है। किसी भी न्यूज़पेपर को आप पढ़ रहे हो, कोई न्यूज़पेपर लो, द हिंदू लो, इंडियन एक्सप्रेस लो, या आप हिंदी का भी कोई न्यूज़पेपर लो, क्योंकि तो हिंदी मीडियम में आप लिख रहे हो, हिंदी माध्यम में लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं जरूर आपका जो है वो ये टॉपिक होता है। अब भारत का उभरता नेतृत्व, अभी देखो G20 को हमने सक्सेसफुली कंडक्ट किया तो ऐसा इसका देखोगे कि वो पहले से ही चलता आ रहा था उस समय कि हाँ G20 को ये करना है, तो उसके चलते। नेक्स्ट इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन, तो जो भारतीय हैं विभिन्न एरिया में रहते हैं, बहुत सारे देशों में रहते हैं, उनका भारत के संबंध में योगदान। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स ऑफ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, शिक्षा और जागरूकता जो है प्रजातंत्र की सफलता के मुख्य स्तंभ है। अब ये देखो इसमें से जब भी ऐसे आप लिखते हो तो सिर्फ यही नहीं बोलोगे कि विदाउट शिक्षित आदमी, नॉर्मली क्या होता है जैसे ये टॉपिक लो तो शिक्षा और जागरूकता जो है वो प्रजातंत्र की सफलता का मुख्य स्तंभ है। तो ये एक तरह से जो है ये ऐसा आप इसको एकदम नहीं मानो कि यदि शिक्षा नहीं है शिक्षित आदमी तो वो डेमोक्रेसी को सक्सेस नहीं बना सकता। इनफैक्ट जब भारत आजाद हुआ था तो फर्स्ट इलेक्शन में बहुत कम लिटरेसी रेट था, लेकिन मेजोरिटी जो जो टॉपिक पूछा जाता उसमें 70 to 80% डिपेंड ऑन आपको पॉजिटिव में डालना है, इसके फेवर में डालना है, और कुछ जो है अगेंस्ट में भी थोड़ा सा डाल देना है। नेक्स्ट ई वेस्ट द डार्क साइड ऑफ द डिजिटल रिवोल्यूशन। अब देखो ई वेस्ट जो है इसके तो लाभ नहीं बता सकते हो ना, इसमें जनरली लाभ नहीं बताओगे, वे फॉरवर्ड इसमें बताओगे।
तो किसी में आपको वे फॉरवर्ड कि आगे हमें और क्या करना चाहिए, वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या समस्याएं हैं। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स रियल वेल्थ, यानी भारत की जो भौगोलिक एवं भाषाई विविधता भारत की वास्तविक संपत्ति है। तो जो ये टॉपिक है हमने कि इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था में भारत का उभरता नेतृत्व, हम इसके सैंपल को देखेंगे, ठीक है। तो देखो दो हम सैंपल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दो एक जैसे इसमें है, देखो दो इसमें देखो पांच पैराग्राफ हमने लिखा है, और नेक्स्ट जो एक दूसरा तरीका है उसमें देखो हमने छह पैराग्राफ लिखा, तो पांच या छह पैराग्राफ आप लिख सकते हो। तो जो बदलते आपके ये टॉपिक है कि नई विश्व व्यवस्था में भारत का उभरता नेतृत्व, तो इंडिया एज इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो न्यू विश्व व्यवस्था में भारत का उभरता नेतृत्व, अब ये देखो इसको इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हो कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कुछ समय तक विश्व का एकमात्र शक्ति के रूप में अमेरिका उभरा, लेकिन विश्व राजनीति के बदलते परिदृश्य में नई विश्व व्यवस्था, अब ये देखो नई विश्व व्यवस्था आपने ला दिया तो अच्छा लगा, का उदय हो रहा है। अब उदय हो रहा है इसका मतलब ये उदय हो चुका नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दिस इज अ जर्नी, इसमें शक्ति का संतुलन बदल रहा है और विश्व में नए शक्ति केंद्र उभर रहे हैं, इनमें भारत का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। भारत अपनी युवा आबादी, मजबूत अर्थव्यवस्था, बृहद बाजार और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण इनमें इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या है, आपने टॉपिक को ओपन कर दिया कि ये सिचुएशन है। अब देखो अब जैसे हमने ये देखा ना कि जो युवा आबादी, तो देखो युवा आबादी हमने लिखा, अब युवा आबादी से हमने एक तरह से ये कर दिया कि भारत में आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। इनफैक्ट 2023 में भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश के रूप में उभरा, जो देश के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। आज हमारी युवा न सिर्फ नौकरियों की तलाश में है बल्कि ये खुद नई नौकरियों का सृजन कर रहे हैं, नए नए स्टार्टअप उभर रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि जो यूथ है सिर्फ नौकरी आप मांगने वाले नहीं हो, नौकरी देने वाले भी। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसका जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। भारत दुनिया का एक बड़ा बाजार के रूप में उभरा है, इसकी बड़ी आबादी दुनिया के अच्छे उत्पादों को खरीदने में उत्सुक है। इस बात का अंदाजा इसी से लग सकता है कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक है। तो एक तरह से हमने ये एक एक्सप्लेनेशन में मेन बॉडी में हमने ये एक पैराग्राफ लिखा। अब दूसरा पैराग्राफ, भारत एशिया अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच स्थित है, यानी इसका लोकेशन ऐसा है, एशिया में तो है ही है और अफ्रीका भी इसका पास में ही है, ठीक है, जो इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और रणनीतिक केंद्र बनाता है। भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक शांति और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। यह मुक्त व्यापार का समर्थन करता है, और विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति में मदद कर सकता है ज्यादा रहो, ठीक है, तो ज्यादा ये सही रहेगा। भारत क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा, भारत वैश्विक मंचों पर एक नैतिक नेता के रूप में उभरा है, यह जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठा रहा है, ठीक है। तो एक डायमेंशन ये हो गया, तो यही प्रूव करेगा ना कि ये इंडिया जो है न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में एक भूमिका लीडर का निभा रहा, यह सही है। अब देखो दो आपने तीन को मेन बॉडी में हम तीन पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो दो हमने पॉजिटिव में लिखा, एक थोड़ा सा हम निगेटिव में भी हमने लिख रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि सब चीज पॉजिटिव ही चल रहा है, कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो कह रहे हैं यह सही है कि भारत गरीबी, असमानता और भ्रष्टाचार जैसी कई आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, इन चुनौतियों का समाधान करना भारत के लिए महत्वपूर्ण है और यदि वह वैश्विक नेता बनना चाहता है ये ठीक है, तो इन चुनौतियों का समाधान करना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यदि बनना चाहते हो कि आप ग्लोबल लीडर, भारत को अपने पड़ोसियों के साथ कई क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे अभी पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, जैसे कि आतंकवाद और सीमा विवाद, इन चुनौतियों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये देखो प्रॉब्लम करती है, फिर उसके बाद एक तरह से ये कर रहे हैं कि इनको करना है। भारत को जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता और महामारी जैसे कई वैश्विक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना होगा, आप अकेले तभी एकला चलो नहीं होगा, ठीक है। अब मान के चलो ये कंक्लूजन में, नई विश्व व्यवस्था में भारत के उभरते नेतृत्व में कोई संदेह नहीं है, भारत में इस भूमिका को निभाने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का समाधान करना होगा।
तो सॉरी फॉर यू डिस्टरबेंसेस। ठीक है, तो ये आपका मेन बॉडी ये था। कंक्लूजन में जो है कि नई विश्व व्यवस्था में भारत के उभरते नेतृत्व में कोई संदेह नहीं है। भारत में इस भूमिका को निभाने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का समाधान करना होगा। भारत को हर मोर्चे पर काम करना होगा, चाहे तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, या फिर सॉफ्ट पावर के रूप में। भारत ने हाल ही में G20 का सफल अध्यक्षता करके दुनिया को एक अच्छा संदेश दिया है कि यह विश्व में उभरती शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। ठीक है, ये एक दूसरा आपका टाइप है। दूसरे टाइप वाले में भी आप ये लिख सकते हो, भारत की नई व्यवस्था में, सॉरी, विश्व की नई व्यवस्था में भारत एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरा है। तो ये देखो, हमने थोड़ा अलग टाइप का लिखा है। विश्व मंच पर G20 की अध्यक्षता, शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी, ब्रिक्स का विस्तार और एक बड़ी अर्थव्यवस्था और बाजार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस नए विश्व समय में, नए वैश्विक समय में कह सकते हो, के संदर्भ में भारत की विकास यात्रा एक अद्वितीय कहानी है जो विश्व को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये हमने थोड़ा अलग टाइप का, जैसे G20 वाला था उसको हमने कंक्लूजन में लिखा था, इसमें हमने थोड़ा अलग टाइप का लिखने की कोशिश की। आर्थिक रूप से भारत एक बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के धरोहर में समाहित है, एक भारी और सक्रिय उद्यमिक परिप्रेक्ष्य। भारत की व्यापक और युवा आबादी उद्यमता और प्रौद्योगिक अग्रसरता का एक स्रोत है। वित्तीय संरचना, नवाचार और प्रौद्योगिकी में भारत की उत्कृष्टता जो संविधानिक रूप से परंपरागत संचार संरचनाओं को परिभाषित करती है, विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देती है और सतत विकास की धारा को अग्रसर करती है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, आई डोंट नो, जो भी। ठीक है, ओके, ये जो आपका है, ठीक है, तो ये हमने लिखा तीसरा जो मेन बॉडी का, यानी सेकंड पैराग्राफ। अब राजनीतिक रूप से इसको ये करो कि राजनीतिक रूप से भारत का रणनीतिक स्थान और अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी इसकी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। भारत विभिन्न बहुराष्ट्रीय संगठनों और संधि में महत्वपूर्ण सदस्य होकर वैश्विक मुद्दों पर नेतृत्व दिखाता है और विश्व विषयों पर अग्रणी भूमिका निभाता है। इसकी जीवंत लोकतांत्रिक प्रणाली, शांति और स्थिरता को बनाए रखने की दृष्टि ने उसे विश्व समुदाय में एक महत्वपूर्ण नेता बना दिया है। तो ये अलग थोड़ा सा है। नेक्स्ट, आप यदि देखो सांस्कृतिक रूप से, अब ये यहाँ कल्चर के रूप से, यानी सॉफ्ट पावर में, भारतीय सांस्कृतिक विरासत विभिन्न परंपराओं और सॉफ्ट पावर संपत्तियों के रूप में विश्व में प्रभावी है। योग और आयुर्वेद से लेकर बॉलीवुड और भोजन तक भारतीय सांस्कृतिक निर्यात विश्व को समृद्ध करता है, सीमाओं को पार करता है और महासागरों के लिए संधि बनाता है। भारतीय विदेशियों का विस्तार, यानी कि जो भारत के विदेश में रह रहे हैं, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के राजदूत के रूप में कार्य करते हुए लोगों के बीच संबंध और सहयोग को बढ़ाता है। समाजवादी और पर्यावरण के क्षेत्र में भारत ने स्थायी विकास, नवीन ऊर्जा और पर्यावरण संवेदनशीलता पर अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर अपने संघर्षों को बढ़ावा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और पेरिस समझौते के प्रति भारत की सक्रिय नेतृत्व, लाइफ यानी कि जो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण पंचामृत जैसे समाधान परिणामी रूप से प्रदर्शित होते हैं और पर्यावरण धारा को बढ़ावा देती है। भारत की उभरते नेतृत्व के रूप में प्रमुख रूप से आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय अंश होने का एक साथ उत्तराधिकारी है। ये आपका कंक्लूजन है। भारत ने विश्व की नई व्यवस्था में अपने महत्वपूर्ण स्थान को स्थापित करते हुए एक विवेकपूर्ण सामाजिक और पर्यावरण के लिए सामंजस्यपूर्ण भविष्य की ओर मुख किया है। आने वाले दिनों में इसकी अधिक स्वीकार्यता की आशा की जाती है। तो ये आपका कंक्लूजन हुआ। तो हमने दो तरीके से इसको देखा। कुछ भी क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट्स है तो आप हमें इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट या तो कर सकते हो या हमें मैसेज कर सकते हो। और ये जो इसका PDF है, तो PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके PDF को भी देख सकते हो। ठीक है, तो एक ये सैंपल के तौर पे है। ओके, थैंक यू।